सो टुडे आवर सब्जेक्ट टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आम कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली केमी रिप्रेजेंट करवा, तो फास्ट लिख द प्लेन इन हुईज कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन। तो हमें कौन लिखे द प्लेन इन हुईज कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन। तो जो जेकोसी प्लेन रे आम जदि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करें कह कॉम्प्लेक्स प्लेन प्लेन और आर्गन प्लेन। सपोज आम आगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ीचे यहाँ कौन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यहाँ है एक्स पॉजिटिव यहाँ है एक्स नेगेटिव यहाँ है वाई पॉजिटिव यहाँ है वाई नेगेटिव एटा हम पढ़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एटा कौन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। जदि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रे आम जेकोसी गोटे कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करवा रिप्रेजेंट करवा ताले ये ही जीवो आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो आम जानचे ये सैडटा कौन एक्स पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव एटी एक्स नेगेटिव एटा फर्स्ट क्वाड्रेंट एटा सेकेंड क्वाड्रेंट एटा थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट रे एक्स आउ वाई बोथ पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट रे कौन एक्सटा नेगेटिव वाईटा पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट रे एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट रे एक्स पॉजिटिव वाई होची नेगेटिव। तो एटा आम ऑलरेडी पढ़ी सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ीचे। तो आम जदि ए प्लेन रे गोटे आम कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करवा रिप्रेजेंट करवा ताकि कह कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन। तो आउ किछि लेख ये आम जो गोटे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करवा तो केमी रिप्रेजेंट करवा रियल एक्सिस और एक्स एक्सिस। रियल एक्सिस कहाँ कह जाए एक्स एक्सिस को इज प्लॉटेड एज सॉरी एटा लिखनी लिख कॉम्प्लेक्स नंबर आम कौन पढ़ीचे जे जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी यार रियल पार्ट है ए इमेजिनरी पार्ट है बी। तो लिख रियल पार्ट इज प्लॉटेड इन एक्स एक्सिस एंड इमेजिनरी पार्ट इज प्लॉटेड इन वाई एक्सिस। तो रियल पार्ट को आम प्लॉट करवा एक्स एक्सिस रे आउ इमेजिनरी पार्ट को वाई एक्सिस रे से एक्स एक्सिस को कहा जाए रियल एक्सिस आउ वाई एक्सिस को कहा जाए इमेजिनरी एक्सिस।
तो मु तुमको फास्ट रु आउ थरे सब बुझौछि आम फास्ट कोन लेखिले द प्लेन इन ह्विच कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन। तो जेकोनसी प्लेन रे आम जदि कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करिबा ताले तक आम कहिबा कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन को आम आउ कोन कहू आर्गन प्लेन। तो नेक्स्ट लिखिले रियल पार्ट इज प्लॉटेड इन एक्स एक्सिस एंड इमेजिनरी पार्ट इज प्लॉटेड इन वाई एक्सिस। तो आमर एक्स एक्सिस रे आमे रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करिबा वाई एक्सिस रे इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करिबा। तो सेति पई एक्स एक्सिस को कहा जाए रियल एक्सिस आ वाई एक्सिस को कहा जाए इमेजिनरी एक्सिस। तो आमे केतरा एग्जांपल नै कि देखिबा तो देखो गोटे क्वेश्चन देजी जेड इक्वल टू माइनस फोर प्लस फाइव वाई। तो यहाँ केमती रिप्रेजेंट करवा आम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्र कले एटा जानचे एक्स पॉजिटिव एटा जानचे एक्स नेगेटिव एटा वाई पॉजिटिव एटा वाई नेगेटिव। तो आम एक्स कौन अच्छी मैं रियल पार्टा रियल जेड के माइनस फोर इमेजिनरी जेड अच्छी प्लस फाइव। तो रियल जेड आम आगे कौन पढ़ले जे रियल पार्टा एक्स एक्सीस प्लट हे तो माइनस फोर मान क्वाड्रेंट माइनस फोर आउ इमेजिनरी जेडटा प्लस मान फाइव सेकेंड क्वाड्रेंट तो ये रोबे सेकेंड क्वाड्रेंट आउ गोटे एग्जांपल नबा जेड दे माइनस सेवेन माइनस फाइव आई। तो ये रियल जेड के माइनस सेवेन इमेजिनरी जेड केते माइनस फाइव। तो दुटा जाक नेगेटिव दुटा नेगेटिव मैंने हमें कौ क्वाड्रेंट रे थर्ड क्वाड्रेंट रे एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। सपोज देची जेड इक्वल टू माइनस टू प्लस थ्री आई। तो ये रियल जेड केते माइनस टू इमेजिनरी जेड केते थ्री। तो ये एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव कॉम्बिनेशन कौटी अच्छे सेकेंड क्वाड्रेंट रे मैंने रे सेकेंड। सपोज देखिए जेड इक्वल टू माइनस टू आई सरी प्लस टू आई माइनस फोर आई। तो एक्स रईन कौन पॉजिटिव वाई रईन अच्छी नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव कौटी आस फोर्थ क्वाड्रेंट रे। तो एमती आम कनसीडर करवा कौ क्वाड्रेंट रे सैन को नहीं के।